कैया मारे ला गड़हिया में गरैया मछरी। शिल्पीराज को ही भैया एल्बम अवार्ड का जबरदस्त सिंगिंग का अवार्ड उनको दे दिया गया, तो क्या हुआ? ये आपके और हमारे बोलने से नहीं होता। ये नमस्कार प्रणाम हर हर महादेव, खेसारी लाल यादव को भैया बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड, बेस्ट सिंगिंग का अवार्ड मिलने से भैया बहुत सारे लोग को खराब लगा, बहुत सारे लोग जल रहे हैं खेसारी लाल यादव से। तो जो जो जल रहे हैं खेसारी लाल यादव से, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को भैया तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि सबको पता चल जाए कि खेसारी लाल यादव को वाकई में अवार्ड मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात आप लोग को बता दें, अवार्ड आपके और हमारे कहने से नहीं मिला, जनता का राय था, जनता का सपोर्ट था, तब खेसारी लाल यादव को अवार्ड मिला। जी हाँ, आपको पता होगा ये अवार्ड फंक्शन सवरंग फिल्म के द्वारा रखा गया था, और सवरंग फिल्म अवार्ड वाले जो भैया हैं ऐसा ही खेसारी लाल यादव को नहीं दे दिए। जब छठ पूजा आया, छठ पूजा में सवरंग फिल्म प्रोडक्शन एक यूट्यूब चैनल है भैया, सवरंग फिल्म वाले ने YouTube पे भैया वोटिंग कराया। क्या वोटिंग कराया छठ पूजा के समय में, आप हमारे स्क्रीन पे देखिए। पावन पर्व छठ पर भोजपुरी में बहुत निमन निमन गीत रिलीज भइल बा, लेकर ओ सॉरी केकर होगा, केकर गीत सबसे उमदा लागल, सबसे बेस्ट गीत आपको किसका लगा, ऐसा करके उन्होंने वोटिंग कराया। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, अरविंद अकेला कल्लू जी और समर सिंह जी, ये सभी लोग थे वोटिंग में। तो सबसे ज्यादा वोट भैया खेसारी लाल यादव को मिला, एक कम 80% 79% खेसारी लाल यादव को वोट मिला, बाकी भैया 16% पवन सिंह को वोट मिला। जबकि पवन सिंह किसके साथ गाना गाए थे, सोनू निगम जी के साथ, उसके बावजूद भी पवन सिंह जी को 16% वोट मिला, और रितेश पांडे जी को 2% वोट मिला, अरविंद अकेला कल्लू जी को 1% वोट मिला और समर सिंह जी को 2% वोट मिला। तो यहां पर साफ जाहिर हो गया कि छठ पूजा में भी सबसे ज्यादा खेसारी लाल यादव बजे, ठीक है। तो खेसारी लाल यादव को सिंगिंग का अवार्ड दे दिया, तो कौना दिक्कत किया भैया, कौना दिक्कत किया। चलिए आगे बात करते हैं। इस साल भोजपुरी देवी गीत 2021 में किसका गीत आपको सबसे अच्छा लगा? जी हां, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रितेश पांडे, अरविंद अकेला कल्लू जी और समर सिंह जी। जी हां, पवन सिंह को भैया 16% वोट, खेसारी लाल यादव को 74% वोट, रितेश पांडे जी को 4% वोट, अरविंद अकेला कल्लू जी को 2% और समर जी को भैया 5% वोट मिला। तो देवी गीत में 100 मिलियन वाला रिकॉर्ड खेसारी लाल यादव के नाम है, तीन तीन देवी गीत, ठीक है। तो यहां पर भी पवन सिंह खेसारी लाल यादव से पीछे हैं, कल्लू, रितेश पांडे जी, समर सिंह सब पीछे हैं खेसारी लाल यादव से। तो बेस्ट सिंगिंग का अवार्ड खेसारी लाल यादव को 2021 में मिला, तो काहे सबका फट रहा भैया, बताइए ना कमेंट बॉक्स में। तो नहीं, उसके बाद भैया सवरंग फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा फिर वोटिंग कराया गया, सब एक महीना पहले कराया गया था। अब सवरंग फिल्म प्रोडक्शन का जो यूट्यूब चैनल, उसमें जाकर कम्युनिटी में चेक कर सकते हैं भैया। हाल ही में दो भोजपुरी फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ, आपको कौन सी ट्रेलर सबसे अच्छा लगा? एक विवाह टू चिंटू पांडे, आशिकी खेसारी लाल यादव। तो चिंटू पांडे को भैया मात्र 14% यानी कि 14 लोगों ने सपोर्ट किया और 86 लोगों ने खेसारी लाल यादव को सपोर्ट किया, यानी कि इसमें भी सबसे ज्यादा वोटिंग खेसारी लाल यादव को मिला, चिंटू पांडे भीतर। उसके बाद भैया सवरंग फिल्म प्रोडक्शन के द्वारा एक और वोटिंग कराया गया, आपको सबसे अच्छा गाना किसका लगता है? एक नंबर शिल्पीराज, दो नंबर प्रियंका सिंह, तीन नंबर अंतरा सिंह प्रियंका और चार नंबर नेहा राज, पांच नंबर अनुपमा यादव। तो सभी लोगों ने शिल्पी राज को ही भैया वोटिंग किया है, 61% लोगों ने शिल्पी राज को वोट किया है, बाकी 10% प्रियंका सिंह को, अंतरा सिंह प्रियंका को 11%, नेहा राज को 2%, अनुपमा यादव को 16% लोगों ने वोटिंग किया है।
तो सैया मारे ला गड़हिया में गरैया मछरी शिल्पी राज को ही भैया एल्बम अवार्ड का जबरदस्त सिंगिंग का अवार्ड उनको दे दिया गया। तो क्या हुआ, ये आपके और हमारे बोलने से नहीं होता, ये पब्लिक, ये जनता तय करती है कि किसको क्या देना है। उसके बाद एक और बात भैया, हाल ही में कुछ भोजपुरी फिल्मों का ट्रेलर रिलीज हुआ, कौन सा ट्रेलर आपको अच्छा लगा? एक नंबर आशिकी, दो नंबर विवाह 2 चिंटू पांडे, तोता मैना धनंजय राज, मुझसे शादी करोगी ऋषभ कश्यप गोलू, हमारी लक्ष्मी बेटियां काजल राघवानी। इसमें भैया खेसारी लाल यादव को 89% यानी कि ये कम 90% लोगों ने फिल्म के मतलब आशिकी फिल्म को सपोर्ट किया, प्यार दिया ट्रेलर को। तो कहां कोई नजर में है भैया, अब बताइए ना, कोई खेसारी लाल यादव की टक्कर में कोई है ही नहीं है। बहुत सारे लोग को मानना है भैया कि पवन सिंह अच्छा गाते हैं, हम भी मानते हैं कि पवन सिंह अच्छा गाते हैं, खेसारी लाल यादव भी मानते हैं कि अच्छा गाते हैं, लेकिन जब मानते थे उस टाइम अच्छा गाते थे तो उनको मिला, लेकिन इस बार नहीं मिलने का कारण भैया जनता, ये सबरंग फिल्म वाले तो पागला नहीं है ना भैया, जिसको तिसको तो नहीं ना दे देंगे, जनता ने जिसको चाहा उसको अवार्ड मिला, ठीक है। अब जिसको भैया प्रॉब्लम होगा तो होगा ही, आपके बोलने से और हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा, जनता तय करती है कि आप स्टार है कि जीरो स्टार है, ठीक है। तो आपका राय क्या, प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। और हाँ, जितना भी मैंने आपको दिखाया स्क्रीन शॉट, आप सबरंग फिल्म अवार्ड, सबरंग फिल्म प्रोडक्शन यूट्यूब में सर्च मारिएगा, जिन्होंने ये अवार्ड का शो कराया था जिसमें खेसारी लाल यादव को बेस्ट एक्टिंग बेस्ट सिंगिंग का अवार्ड मिला, ठीक है। आप यूट्यूब में सर्च मारिएगा और देख लीजिएगा कम्युनिटी में जाकर के किनको कितना वोट मिला है। हो सके बहुत सारे लोग को लगे ये एडिटिंग वाला चीज है, तो भैया इस वीडियो को तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपको आखिर पता चल गया कि क्यों खेसारी लाल यादव को ही मिला बेस्ट सिंगिंग और बेस्ट एक्टिंग का अवार्ड। न्यूज कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद, आई लव यू, जय जय श्री राम।